इस वीडियो में सफेद शर्ट पहने एक व्यापारी जैसे ही अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरता है, उसे तीन बदमाश जबरन एक सफेद गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लेते हैं। आरोपियों में से एक आरोपी के हाथ में आप लोहे की रॉड या हथौड़ा किस्म का हथियार भी देख सकते हैं, जिसका डर व्यापारी को दिखाया जा रहा है। इस मामले में क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि प्रदीप सरोदे नाम का यह आरोपी महाराष्ट्र के शिरडी का एक कुख्यात बदमाश है, जिस पर 10 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। यह आरोपी अहमदनगर जिले में टोली बनाकर वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। दरअसल व्यापारी राकेश पांडे ने अहमदनगर निवासी आरोपी प्रदीप सरोदे के पिता से बड़ी रकम ली थी। इसके एवज में ना वो काम कर रहा था ना ही पैसे लौटा रहा था, इसलिए प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची और फिर व्यापारी को धमकाकर नासिक के पास छोड़ दिया। बावजूद इसके व्यापारी ने पुलिस को किडनैपर्स की कोई जानकारी नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक खुद व्यापारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी के कुछ मामले दर्ज हैं। हालांकि इस मामले में एक चश्मदीद ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटना को वेरीफाई किया तो सही निकली। आनंद फानन में दिनदोषी पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। इस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने अधिकारियों को आरोपी के बारे में सुराग मिला और क्राइम ब्रांच ने अपहरण को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 11 अक्टूबर को मुंबई में दिनदोषी बस डिपो है गोरेगांव में, वहाँ पे रास्ते पे एक मर्सिडीज खड़ी हुई थी। उसका मालिक जो था वहाँ से उतरा हुआ था। उसी वक्त में कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसको वहाँ पे किडनैप किया था, ज़बरदस्ती सफ़ेद कलर के डिज़ायर कार में डाल के उसको वहाँ से अगवा किया था। इस तरह की मामला हुआ था। इसकी बात, इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उस रास्ते के एक चश्मदीद व्यक्ति ने कंट्रोल रूम मुंबई को बता दी और उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची, उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में दिनदोषी पुलिस स्टेशन में उसमें अपराध दर्ज हुआ। अपराध दर्ज होने के बाद में मुंबई शहर के दिनदोषी पुलिस स्टेशन जोन 12 ये इस पे काम कर रहे थे, साथ में क्राइम ब्रांच यूनिट 12 यह भी इस पे